bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum students i hope so you all are in good health today we discuss unit 1 of chemistry which name is fundamentals of chemistry in this unit we will discuss what is chemistry how many branches of chemistry what is meant by chemical species what is avogadro's number and moles and how we can calculate the chemical calculations all these things we will discuss in this unit today's video i will tell you about what is chemistry and branches of chemistry in this video i discuss only main three branches of chemistry which one is physical chemistry organic chemistry and inorganic chemistry now i start this video with the definition of chemistry chemistry

जो कि पूरी कायनात को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होता है अब हम मेन केमिस्ट्री की डेफिनेशन में आ जाते हैं कि वट इज मीट बाई कम्पोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर फर्स्टली आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर अब मैं आपको एक वाटर की एग्जाम्पल लेके देता हूँ वाटर अगर मैं वाटर की कंपोजिशन को स्टडी करूं कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है तो वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है सो दिस इज द कम्पोजिशन ऑफ वाटर अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो ये टेस्टलेस होता है इस स्मेल uh, भी नहीं होती इसमें कोई अरोमा नहीं होता ट्रांसपेरेंट होता है तो ये जो भी चीज़ें होंगी इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएंगी और अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूं कि मैंने ये वाटर लिया और इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया तो मेरे पास ये रिएक्शन आ गया अब ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रक्चर है ये कंपोजिशन है और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा केमिस्ट्री में आ जाएगा सो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें नॉलेज देती है किस चीज़ का नॉलेज कि उसकी कंपोजिशन क्या है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ उसकी खसूसियात क्या है और वो रिएक्शन क्या दे रही है जब हम इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहे होंगे तो वो मेन केमिस्ट्री होगी

अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एन ए सी एल की अगर मैं एन ए सी एल ये हम टेबल सॉल्ट होता है अगर हम इसकी फिज़िकल अपेयरेंस को चेक करें तो वो एक क्रिस्टलाइन शेप का होता है और वाइट कलर का होता है अब ये आगे इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ गई और टेस्ट में ये सॉल्टी होता है कम्पोजिशन में आपकी क्या है ये सोडियम से और क्लोरीन से मिलके बना हुआ है अब जब हम इन दोनों को स्टडी कर रहे हैं सो इट्स मीन हम क्या स्टडी कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं और अगर हम एन को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें तो जब डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगा जिसमें आपके पास हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और एच बन जाएगा अब ये क्या है जब हम किसी भी सॉल्ट जब हमने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया तो उसके अंदर जो चेंजिंग्स आ रही हैं वो भी स्टडी हमें बताएगी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें पता चलेगा अब देखिए इसके अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन तैम जब इसकी कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग्स आ जाएंगी तो वो भी क्या कहलाएगी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ ये हमारे पास है सॉल्ट एन ए सी एल एंड दिस वन इज एन ग्लास ऑफ वाटर जब हम सॉल्ट में ये सॉल्ट अगर हम इसको फिजिकली अपेयर करें तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और ये व्हाइट कलर का है अब ये इसकी जो हम स्टडी होगी अभी फिजिकल केमिस्ट्री में आएगी जब इसमें से कोई सॉल्ट मैंने लिया और वो वाटर में इसको डिज़ोल्व कर दिया अब मैंने सॉल्ट को वाटर में जब ये डिज़ोल्व हो गया अब मैं इसकी स्टडी करूँ कि इसके अंदर मेन कौन कौन से कंपोजिशन हो गई है पहले एन एस सी एल ये था अब उसके अंदर ये चेंजिंग्स आ जाएंगी तो ये सारी चेंजिंग्स भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे सो so, फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम जब इसकी कंपोजिशन को हम स्टडी करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें या किसी मैटर के साथ रिएक्ट करवा के उसके अंदर जो चेंजिंग्स आ रही हैं उनको स्टडी करें तो वो आपकी फ़िजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी ऑर्गेनिक the study of the covalent compound of carbon, hydrogen and their derivatives are called organic chemistry। जब हम कार्बन हाइड्रोजन उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री कहलाती है अब प्रोडक्ट टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ कार्बन की और हाइड्रोजन की स्टडी को हम सिर्फ ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री कहलाते हैं अब क्वेलेंट कम्पाउंडस के आए क्वलेंट कम्पाउंड्स मेनली बनते हैं ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनते हैं अब हाइड्रोकार्बन क्या है हाइड्रोकार्बन्स इज द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन दीज फॉर्म शो द हाइड्रोजन एंड दिस वन इज एन कार्बन सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब कार्बन हाइड्रोजन और उसके डेरीवेटिव को स्टडी करें तो वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है अब जो डेरीवेटिव्स होते हैं ये आपके हाइड्रोजन और कार्बन से मिल बने हुए हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता जैसे हम ये इसकी डिस्कशन कर लेते हैं जी ये आपके पास एक है अल्कोहल है दिस इज एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड इसमें आपके पास बच्चे कार्बन भी आ गया और हाइड्रोजन भी आ गया बट ऑक्सीजन तो है ही नहीं अभी तो हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट एंड द डेरीवेटिव दीज आर द डेरिवेटिव्स ये क्या होते हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं इसी वजह से हम इनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं इन केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स और कौन इन ऑर्गेनिक कमिस्ट्री क्या प्रोडक्ट टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की स्टडी क्या कहलाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी फॉर एग्जांपल हम बात कर लें जैसे एक एन एच सी एल है ये भी आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अलावा एन ए ओ एच है ये भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अलावा और बहुत से ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे ना आते हों वो भी आपकी केमिस्ट्री uh, में आ जाएंगे स्टूडेंट्स uh, अब आपने जो लर्न करने हैं, वो जिसके निशान लगा लें सबसे पहले आप साइंस की यहाँ पे डेफिनेशन है जिसमें आपने ये लिखनी है लेकिन उससे पहले आप ये लाइन ज़रूर लिख लें साइंस वर्ड इज़ ड्राइड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंशिया विच मीन्स नॉलेज इसके बाद आप ये वाली लाइन लिखें ये अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन साइंस तो आपने इतना लिख लेना फिर केमिस्ट्री की डेफिनेशन आएगी आपने वो यहाँ से लेके लिखनी है द ब्रांच ऑफ़ साइंस इधर से लेके केमिस्ट्री तक आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है फिर आगे से मेन ब्रांचेज आ जाती हैं अब इसकी फर्स्ट वन है फिज़िकल केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री आपने यहाँ से लेके इधर तक करनी है फिर ये प्रॉपर्टीज़ के आपने हेडिंग देनी है फिर नेक्स्ट लाइन से आपने ये पैराग्राफ ये भी लिखना है फिर आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने मेन इधर तक ये लाइन लिख लेनी है एंड uh, ये इस आगे स्कोप की आपने अलग अलग से हेडिंग्स देनी है और ये हेडिंग देने के बाद ये वाली लाइन भी आपने लिख देनी है कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है पेट्रोलियम में पेट्रोकेमिकल्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसके अंदर अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ की जाती है फिर इसके बाद आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें आपने इधर तक डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन की हेडिंग देनी है और ये आपने सारी उसकी एप्लीकेशन बता देनी है कि ग्लास सीमेंट सरामिक्स वगैरह मेटोलॉर्जी इन सब में इन केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे तमाम जीरो होता है इन अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अल्लाह हाफिज़